आज 10 अगस्त है। इसी दिन 10 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 जो कि अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करता है उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था जो कि असंवैधानिक था। चूँकि भारतीय संविधान के जो वो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं उसका इस बिल्कुल टोटली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अनकलरेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये था जो नेहरू जी ने किया। केवल मुसलमानों को बाहर नहीं किया था, उन्होंने टोटली माइनॉरिटी को बाहर कर दिया था इस कैटेगरी से। लेकिन 1956 में उन्होंने बाद में सिख को इंक्लूड किया। 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने बौद्धिस्ट को इंक्लूड किया। 94 से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एम एजाज अली साहब के नेतृत्व में निरंतर संघर्ष कर रही है कि इस असंवैधानिक और माने असामाजिक और भेदभावपूर्ण जो किया गया है उन 341 में इसको समाप्त किया जाए। और जब धर्म के आधार पर आप किसी को आरक्षण दे नहीं सकते हैं तो धर्म के आधार पर आरक्षण किसी का छीन नहीं सकते हैं। बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदों में मजबूती भी आ रही है। उन्होंने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो जाहिर सी बात है इस नारे से ये लगा कि विश्वास जब सबका जीतना है तो एक बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, उनका भी विश्वास उन्हें जीतना है। हमने प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया है और उनसे ये विनती हम करते हैं कि जिस तरह से आपने कश्मीर में 370 में सुधार किया है और जो त्रुटि आपको लगी जिस त्रुटि के कारण आपने ये कहा कि कश्मीर के लोग भारत की मुख्यधारा से कटे हुए थे, हमने ये सुधार कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है, मैं इनके उस मोदी जी के इस कदम का स्वागत करता हूँ, उन्हें इसके लिए बधाई भी देता हूँ। लेकिन उनसे विनती करता हूँ कि जब आपने एक राज्य विशेष को मुख्यधारा से जोड़ने या वहाँ की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ की आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नेहरू जी के द्वारा लिए गए इस निर्णय को में आपने सुधार किया है, तो 14 करोड़ 12 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है उसको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नेहरू जी के द्वारा लिए गए गलत निर्णय में सुधार क्यों नहीं। मेरी सरकार से मांग है कि अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध समाप्त किया जाए और मुसलमानों को भी SC स्टेटस दिया जाए। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।